अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हम ग्रोसरी करके अभी अभी लाए हैं, तो हमने कहा चले आपके साथ आज ग्रोसरी हॉल शेयर करते हैं। ये थोड़ी सी चीज़ें लाई हैं, बस ऐसी ही चाहिए थी, चाहिए एक चीज़ थी लेकिन ले ज़्यादा सारी आई हैं। तो उसमें हमने ये लिए नूडल्स। वैसे तो हम ब्लैक पर खाते होते हैं, मज़े के होते हैं, बहुत स्पाइसी होते हैं ये। आई डोंट नो कौन सा टेस्ट होगा, कड़ी कड़ी टेस्ट है, आई होप मज़े का होगा। हाँ, इस ब्रांड के मोस्टली सारे हलाल होते हैं। फिर उसके बाद वो दूसरी हमारी ख़त्म हो गई थी, तो रीना ये उठा के लेके आई है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही है। सी एक कुछ लिखा हुआ ऊपर जो कि मुझे नहीं पता, बिकॉज दिस फ्रेंच कॉफी, सो ये किसी और चाइनीज या फ्रेंच या किसी और जुबान में लग रहा है ना। फ्रेंच मैं ले आई इस दफा बड़ा बॉक्स हूँ 100 वाला। आई एम गोना मेक इट नाउ, मैं रिव्यू कर दूंगी अच्छा है कि नहीं अच्छा, बट आई एम होपिंग कि अच्छा है। यही मैंने बोला था, रीना को कौन पिएगा, तो बोलती जिन्होंने अगली 40 पिए वही पिएंगे। ये एक्सपायर तो नहीं है ना, ये उस 2023 में। अच्छा, उसके अलावा जी मैश पोटैटो है, ये जाइमू के लिए, जाइम खाएगा ये इंशाल्लाह। ये बहुत मजे की मीठी होती है, बेबी कैरेट्स सैलड के लिए, और ये बकरखानियाँ हैं, मुझे लगता है ये मैंने पहले खाई है, ज़रा मज़े की नहीं थी, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी ये वाली है। ये रहमत शरीम ब्रांड की, ये वो वाली बकरखानी नहीं है कि चाय में डिप करके फिर चम्मच के साथ खाएं, ये एज अ कुक ही खाएं, वो चाय में डिप मज़े करके खाने वाला। लास्ट टाइम आई डोंट नो क्यों, शायद कुछ होगा, बेच गलत होगा। ये मेरा फेवरेट ड्रिंक है जी, ये मैं पीती हूँ हमेशा। दिस इज लो जीरो कार्ब जीरो शुगर स्पार्कलिंग वाटर, सो दिस इज रियली गुड। एंड देन उसके बाद ये लिया है, चीकू मिलते नहीं है होल, सबको याद आए हुए थे, पल्प मिला, पल्प ले आई, अब देखते हैं कैसा होगा। ये देखें ये क्या मिला है, होल है, ये कुछ और लिखा हुआ है, सरसों का साग ना, ये क्या लिखा हुआ था, लेकिन ये देखें सरसों का साग और है भी मिचल्स का, तो मुझे लगता है अच्छा होगा, ट्राई करेंगे फिर बताएंगे आपको। उसके बाद ये अभी लोड़ी हमारे जो इंडियन बहन भाई उनकी गुजरी है, तो वो आई थिंक उस वजह से ये चक्कियाँ बहुत आई हुई थी, बहुत मजे की ये चक्कियाँ नहीं चक्कीज चक्कीज वही, ये बहुत मजे की कोकोनट। हाँ, ये कोकोनट वाली एक्चुअली मजे की है, सो वेर एवर यू सी इट जस्ट गेट इट, बिकॉज पीनट वाली तो रेगुलर होती भी है, कोकोनट वाली खास स्पेशल अभी आई है और बहुत मजे की। वो रुमाली रोटी दिखाओ सर, जब नहीं ट्राई की पहले, अभी ये है ताज़ा पाकिस्तानी ब्रांड है उसकी, है रुमाली रोटी, दे आर रेडी टू गो, जस्ट माइक्रोवेव कर लो, फ्रीजर से डायरेक्ट निकाल के एक मिनट के लिए। सो ये पता नहीं है कैसी है, बट वी आर गोना गिव इट अ ट्राई, अच्छी होगी आई एम श्योर इंशाल्लाह। और वो रेगुलर दही है जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, खत्म हो रहा था तो वो भी ले आई है। ये उस दिन जो रीना को हार्ड टाइम हो रहा था, अरबी ये के अरबी ये ये वो है कचालू कोई, हाँ, हमारे घर में ये बहुत शौक से खाई जाते हैं, तो मैंने कहा चलो ले जाते हैं। ये ग्रीन चिली चाहिए थी, ये स्वीट अनियन, ये पता नहीं रीना लेके आई है, शायद हम इसे रखेंगे स्टोरेज में, पता नहीं ये दो दिनों में येलो हो जाएंगे, इसीलिए लाई हूँ कि दो दिनों में रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये धनिया है जो कि हर ट्रिप में हमें चाहिए चाहिए होता है, धनिया तो बहुत यूज होता है घर पे। तो ओवरऑल ये हमारा ग्रोसरी का था जो अभी हम लेके आए हैं, और थोड़ी सी और शॉपिंग जो हमने की है, मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करें। तो ये जी हमने मेसीज में स्टॉप किया था, तो ये हमने थ्रो लिया है, एक सेकेंड रुक जाए, थ्रो लिया है ओवर साइज का, सोफे पे बैठते हैं जब टीवी शीवी देखते हैं तो उसके लिए चाहिए होता है। इट्स जस्ट नाइस वाइट, बहुत मुलायम सा है, प्लेन सा है, बहुत अच्छा है। हाँ, ओपन किया तो इंशाल्लाह वो भी शो करा देंगे। फिर उसके बाद हमें चाहिए था हमारे पाउडर रूम के लिए कुछ, उसको रीडेकोरेट उसको करना है, तो मेक ओवर उसका करना है बेसिकली, तो उसके लिए ये अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो ये डिसेंट सा ये ले। ये बाथरूम की रग है फॉर द फ्लोर, ये सोप डिस्पेंसर है, ये टूथब्रश होल्डर है, ये दो डेकोरेटिव पिलोज नहीं है, टॉवल्स हैं, हैंड टॉवल्स हैं, जो कि हमारे घर में डेकोरेटिव नहीं होते होते, फिर मतलब किसी भी तरह से घर में मुझे नहीं लगता हम यूज कर लेते हैं इवेंचुअली। और ये बेकिंग ट्रेज हैं, ये अच्छी लग रही थी तो ली थी, ऑनेस्टली इतनी खास चाहिए नहीं थी हमें, पर अच्छी लग रही थी तो फिर प्राइस भी अच्छी थी, ये सेल पे लगी हुई है मेसीज में, अगर किसी को भी चाहिए तो अभी मेसीज में पे बहुत अच्छी, बल्कि घर के बहुत से आइटम पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई है, यू कैन गो अहेड एंड चेक आउट, जो लोग इधर रहते हैं ऑफ कोर्स उन लोगों के लिए। हाँ। ये मैसेज आई थिंक इंडिया में भी है, तो आप उधर भी चेक कर सकते हो, आई एम नॉट श्योर दो। एंड माय मोस्ट फेवरेट, आवर मोस्ट फेवरेट, बहुत बहुत बहुत, ये ऑलरेडी मेरे पास है, एक सेट में यूज कर रही हूँ, शायद आपने कोई कुकिंग वीडियोस में देखा हो कि नोटिस किया हो। ये दूसरा हमने ले लिया है, इसमें ये सारी नाइफ्स हैं,
और तीन कटिंग बोर्ड है, बहुत प्यारे वाले होते हैं ये, और एक सीजर है। मेरे नेफियो को जो इंग्लैंड में होता है उसको बहुत पसंद है, उसे भेज दूँ। ये बैक स्टोरी है, फिर आपको कभी बताएंगे कौन सी नाइफ किस चीज के लिए है। ये कटिंग बोर्ड है, सीजर है, ब्रेड नाइफ, शेफ नाइफ, स्लाइस करना है किसी को। और ये कलर्स उतरते नहीं है, डोंट वरी, कई कलर उतरते। ओह, इन्होंने लिखा हुआ है हैंड वॉश ओनली। मैं तो डिशवॉशर में डाल देती हूं। रीना डाल देती है तो वो मुझे लगता है थोड़ी खराब हो जाएगी। हाँ। नहीं है हाथ पे करना है, लेकिन ये कलर उतरता नहीं है, लाइक ऐसे फूड वगैरह किसी में आएगा नहीं, पक्का सही जमा के कलर है। सो क्यूट, लाइक दे आर सो प्रीटी। दिल करता है कुकिंग, दिल करता है काटने को। मैंने भी बोला स्लाइस करना है, वही ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, यही आज का हॉल। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। तो अभी मैं बनाती हूँ वो वाली कॉफी, एंड देन कॉफी बना के फिर आपको रिव्यू देती हूँ कि कैसी है कैसी नहीं है। किधर है कॉफी? ये है, लेट्स गो मेक दिस नाउ। जी जनाब, सो अस्सलाम वालेकुम। तो कॉफ़ी तो रिव्यू ज़रूर होगा, इस वीडियो के एंड में होगा, लेकिन अभी मेरे पास एक दो रेसिपीज थी तो मैंने कहा पहले वो साथ में शेयर कर लेते हैं, फिर कॉफ़ी का भी रिव्यू होता रहेगा। तो आज बन रहा है मेरे किचन में दो तरह के यमी एंड डिलिशियस चिकन टिक्कास। प्लान मेरा दो डिफरेंट कलर के बनाने का था, लेकिन आगे मेरे साथ जो कहानी हुई है वो आप आगे देखेंगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया था योगर्ट, योगर्ट में मैंने डाल लिया था फ्राइड हुए हुए अनियन, एक मीडियम साइज़ का अनियन पूरा फ्राई करके इसमें डाल के साथ में डाल दें अदरक लहसुन का पेस्ट एंड उसको ग्राइंड कर लें। आप ट्राई करिएगा कि आपका योगर्ट थिक हो, फिर इसको चिकन में डाल के ऊपर आपने डाल देना है थोड़ा सा गरम मसाला, एक चम्मच भर के सूखा धनिया, लाल मिर्च और पेपरिका पाउडर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो, एंड देन तंदूरी मसाला मेरे पास घर में था मैंने ये डाला है। इसको डाल के थोड़ा सा हमने ऐड कर लेना है फूड कलर, लाल कलर, एंड इसको अच्छे से मैरिनेट करके साइड पर रख दीजिएगा। साथ ही में हम जो दूसरा चिकन बनाएंगे वो है ग्रीन कलर वाला चिकन, तो उसकी मैरिनेशन भी ऑलमोस्ट सेम है बट नॉट 100%। सो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ दोनों का, क्या कहते होते हैं, मतलब दोनों की रेसिपी इजी है, दोनों की ऑलमोस्ट सेम है बट डिफरेंट जायका होता है एंड बहुत यमी जायका होता है। तो ये एंड में फिर मैंने थोड़ा सा लेमन डाल के, फ्रेश लेमन जूस था हैव वो स्क्वीज़ किया है, मेरी ज़बान को क्या हो गया आई डोंट नो। अच्छा, एंड पानी आ गया, हाँ उसको देखिए मैं, मुँह में पानी आ रहा है। एनीवे अब करते हैं हम सेकंड मैरिनेशन। उसके लिए मैंने लिया है ग्रीन धनिया, थोड़ा सा पुदीना, दो साउस मिर्च, एंड उसमें डाल लेंगे ब्राउन किए हुए अनियन। इन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा, और जो आपने प्री मैरिनेट, मतलब आपके पास जो दही था ऑलरेडी, जैसे पिछली चिकन को हमने मैरिनेट किया था उसी के दही में ये ऐड कर देना है जो आपका ग्रीन मसाला है। इस सब को ऐड करके इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तुम्हें कौन सा अच्छा लगा था इनमें से? मुझे दोनों अच्छे लगे थे। अच्छा, मेरा पर्सनल फेवरेट जो था वो ये ग्रीन वाला था, मुझे लाइक हाँ मुझे पर्सनली ग्रीन वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। लेकिन इसमें मैंने मसाले जो हैं घर के डाल दिए थे, ये मैंने डाला था लाल मिर्च, यहाँ पे डाले नमक हसबे ज़रूरत, हसबे जायका, जितना आपको मुनासिब लगे अपने घर के उसके साथ टेस्ट के साथ तो उतना ही डालिएगा। एंड देन ये एक चम्मच भर के मैंने डाला है सूखा धनिया जो कि है कोरिएंडर पाउडर, मेरा बहुत फेवरेट होता है, सो बहुत सी चीज़ों में जा रहा होता है और इसमें तो होता ही है। यहाँ पे जी जनाब मेरे साथ, मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो ये दिखा रही हूँ कि मेरे साथ हुआ है शदीद बड़ा धोखा, जो कि टैग एंड टाइटल कह रही हूँ, टाइटल एंड थंबनेल से भी आपको अंदाज़ा हो गया कि ये देखें, ये था ग्रीन कलर, मुझे चाहिए भी ग्रीन था, मैंने बाय भी ग्रीन किया था, ऊपर लिखा हुआ भी ग्रीन था और अंदर से ये निकल आया येलो। हद से ज़्यादा मैं डिसअपॉइंट हुई थी, बहुत ज़्यादा मेरा दिल हफा हुआ था कि मतलब लाइक व्हाट द हैक। और यहाँ पे फूड कलर, देसी जो फूड कलर होते हैं इतने ईजी मिलते भी नहीं, आपको देसी स्टोर दूर जाना पड़ता है। बट फिर मैंने कहा अब क्या हो सकता है, शाम हो रही थी, बाहर ठंड थी, निकलने का कोई इरादा नहीं था, सो मैंने कहा आई जस्ट गो विद द फ्लो। बट फॉर यू गाइस टू नो कि इस पॉइंट पे जब सारी मैरिनेशन हो जाती है तो इसमें ग्रीन कलर जाना बहुत ज़रूरी होता है। मैरिनेशन, मसाला, सीजनिंग सब मैंने आपको बता दिए, मेरे पास कलर नहीं था, फिर ऑब्वियसली मैं लाई थी उसके बावजूद ना हो सका, आप लोगों ने ज़रूर डालना है। हाँ, ये बिल्कुल रोने वाली हो चुकी थी कि ये देखो ये क्या हो गया, इसने चीख लगाई, मैं समझी
जाइम को कुछ हो गया, यस को कुछ हो गया है, बोलती ये देखो धोखा हो गया है मेरे साथ। धोखा तो था, सीधी सी बात है। खैर एनी वे, फिर इसको मेरे बेक कर लिया है अमन में, एंड लुक गुड इट लुक्स, माशाल्लाह बहुत मज़े का था, बहुत यमी लग रहा था। अच्छा मैं इसको जिस तरीके से उस मतलब मैंने खाया था इसको, वो ये था कि मैंने सिर्फ इसकी रैप्स बना ली थी। आप लोग चाहें तो आप लोग इसको प्लेन ज़ीरे वाले राइस के साथ खा सकते हैं, यूं भी खा सकते हैं, टी टाइम में कर सकते हैं, एनी थिंग यू वांट। मैंने साथ में ये स्वीट अनियन एंड बेल पेपर थी, इससे बड़ा बड़ा काट लिया, ऊपर ऑलिव ऑयल डाला है थोड़ी सी, और ओरिगैनो वगैरह और इटालियन सीजनिंग डाल के इसको सारे को मिक्स करके इसे भी अवन में चिकन के साथ रख दिया था, ताकि ये थोड़ा सा लाइक सॉफ्ट हो जाए, सॉफ्ट टाइप हो जाए। तो ये मुझे अच्छा लगता होता है अपनी रैप वगैरह में अगर मैंने खानी हो, या वैसे भी चिकन में तो ये अच्छे ही लगते हैं। तो ये मैंने इस तरह करके सारा डाल के थोड़ी देर के लिए और 5-7 मिनट इसे टाइम दिया था, इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया था। बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है, अभी फिर दिल कर रहा है जैसे खा लूँ। अच्छा तो मैं भूख लग रही है बस, बात सिर्फ इतनी है। तो ये मैंने, अच्छा रैप जब चिकन हो गया था डन, तो रैप की मैंने प्रेप शुरू कर दी थी। रैप मैंने ऐसे ली थी कि ये बाज़ार की जो टोर्टिला रैप्स होती हैं, मैंने ये ली थी, इसके ऊपर अपनी देसी रेगुलर चटनी डाली थी। इसकी रेसिपी इस वीडियो में है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको मिलेगी। एंड इस रेसिपी को ट्राई भी ज़रूर 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 करिएगा, इट इज़ रियली गुड। चटनी डाल के मैंने ऊपर मेयोनेज़ डाली थी, आप चाहें तो कुछ और सॉस कुछ भी डाल सकते हैं। और फिर ये चिकन रेडी हो गया, ये देखें कितना ज़्यादा यम्मी लग रहा है, बहुत मज़े का था अल्हम्दुलिल्लाह, खुशबू भी पूरे घर में फैली हुई थी। इस चिकन को फिर लेके मैंने चॉप अप किया था। आप अगेन लाइक आई सेड कि यू कैन यूज़ इट एज इट इज़, यू डोंट नीड टू डू दिस। मैंने सिर्फ अपना ये पार्ट किया था। चॉप अप करने के बाद देन मैंने इसके ऊपर, आप चाहें तो चीज़ वगैरह भी डाल सकते हैं, मैंने चीज़ नहीं डाली थी। अगर चीज़ डाल रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए इसे गर्म ओवन में रख दीजिएगा, ताकि ये चीज़ मेल्ट हो जाए और थोड़ा सा अच्छा एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर लें। अच्छा चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने डाला है हैंडफुल धनिया, 1 चम्मच दही, 1 से 2 मिर्ची इसमें जाती होती है ग्रीन, एंड 1 गार्लिक क्लोव होता है वो जाता है, एंड थोड़ा सा सॉल्ट, दैट इज़ ऑल, नथिंग एल्स। जब ये आप इसे ब्लेंड कर लें, जब ये सही से ब्लेंड हो जाएगा, फिर आप इसमें बजी जोगर ऐड करके अपनी मर्ज़ी का इसे टेक्सचर दे सकते हैं, चाहे आपने पतला इसकी कंसिस्टेंसी रहनी है या गाढ़ी रहनी है, वो आपकी मर्ज़ी है। बट दिस इज़ इट, मतलब दिस चटनी इज़ रियली रियली गुड, सो यू कैन गिव इट अ ट्राई। मैंने अपनी भाभी से सीखी थी ये चटनी, एंड आई लव्ड हर चटनी, एंड आई एम ग्लैड के मैंने उनसे ये सीखी थी, एंड आई कुड शेयर इट विद ऑल ऑफ यू गाइस। अच्छा आई एम सॉरी, मैं बार बार हो रही हूँ, आज मुझसे सही बोला नहीं जा रहा था, वो इसलिए कि मेरा गला ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्यों, शायद मौसम चेंज हो गया है, बारिश हो गई है इस वजह से, और कभी स्नो होती है और कभी गर्मी होती है, समझ नहीं आती। तो खैर कमिंग बैक टू द कॉफ़ी जो हम शुरू में बनाने वाले थे, मैं यहाँ पे कॉफ़ी की क्लिप डाल रही हूँ, साथ में मैं जाइम का खाना बना रही थी, तो दूसरे चूल्हे पे उसके लिए मैंने खाना बनाना शुरू किया था। तो ये जी कॉफ़ी के फाइनल रिव्यू ये है कि इट वाज रियली गुड, पर्सनली मुझे अच्छी लगी ये, इट इज़ द सेम लाइक द अदर वन। अगर आपको नहीं पता मैं किस कॉफ़ी की बात कर रही हूँ, तो प्रीवियस कुछ व्लॉग्स में आपने देखी होगी, या मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर देखी होगी, क्योंकि लिटरली मेरी एवरीडे की कॉफ़ी वहाँ पे शेयर होती है, इवन नाउ मैं पी रही हूँ और मैंने वहाँ पे शेयर की है। तो खैर एनीवे, आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। आई होप आपको अच्छा लगा है, इफ़ यू डिड प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह।